राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेके खासी जद्दोजहद मची हुई है और इसी बीच भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में लगभग पहले चरण के उम्मीदवारों के लिए नाम फाइनल कर चुकी है। बात हम मारवाड़ की सीटों की कर रहे हैं, जालौर सिरोही सीट पे कौन उम्मीदवार होगा इस पे आज चर्चा करेंगे। भाजपा ने लगभग मुहर लगा ली है, दो नामों को लेके चर्चा चल रही है खास करके, क्योंकि भाजपा चौंकाती रही है तो इन दो के अलावा कोई तीसरा हो सकता है, यह भी एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल हम बात करेंगे कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जिसका नाम सर्वाधिक मुखरता से भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गूंजा है और क्या वजहें रही कि देवजी पटेल जो कि तीन बार लगातार से सांसद है जालौर सिरोही में, उनका टिकट काट करके वो चूंकि विधानसभा का चुनाव हार गए 2023 के नवंबर में हुए चुनाव में और इतना बुरी तरीके से हारे कि जमानत भी जब्त हो गई, अब देवजी पटेल की आसपास वाली लॉबी की नाराजगी और देवजी पटेल से सहमति, दोनों ही चीजों को लेके जिन नामों पे फाइनल स्थिति बन रही है उनकी आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं और आज बात करेंगे जालौर के राजनीतिक विश्लेषण पे। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट कुछ ही समय पे आने वाली है और लिस्ट में कौन हो रहा है भाजपा का नया प्रत्याशी जालौर सिरोही लोकसभा सीट के लिए। जालौर सिरोही लोकसभा सीट 18 नंबर की सीट है क्रमानुसार और यह जो है वो उदयपुर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, साबरकांठा और बनासकांठा लोकसभा सीटों से छूती हैं। सभी सीटों पे फिलहाल बीजेपी की ही जीत है, लिहाजा यह पूरा जो इलाका है मारवाड़ और गोडवाड़ से सटा हुआ इलाका, मारवाड़ और गोडवाड़ का इलाका भगवामय है बीते 10 साल से लगातार। ऐसे में इस बार प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा बड़ा सदा हुआ कदम रख रही है क्योंकि उनका जो टारगेट है वो है 400 सीटें प्राप्त करना और जालौर सिरोही सीट पे जिस प्रत्याशी का नाम सर्वाधिक उभर के आया है उनका नाम लुम्बाराम चौधरी है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक सफल जिलाध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी में प्रधान रहे हैं, बेस्ट प्रधान चुने गए। उसके अलावा लुम्बाराम चौधरी जो है वो लोकसभा सीट पर अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने हमसे बात की तो बताया था कि उनके अध्यक्ष रहते ही सिरोही की सभी पंचायत समिति और नगर पालिकाओं में भाजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, यहां तक कि जिला प्रमुख भी सिरोही में बीजेपी का उनके कार्यकाल में उनके जिलाध्यक्ष रहते ही बना। अब चूंकि लुम्बाराम चौधरी का नाम उभर के खासा ऊपर आया है प्रत्याशी के तौर पर, इसकी कई बड़ी वजहें हैं क्योंकि एक तो कलबी समाज का एक वोट बैंक है और एक माहौल रहा है, लगातार तीन बार से सांसद हैं, गुजरात से टच दो सीटें लोकसभा की साबरकांठा बनासकांठा और राजस्थान की बाड़मेर, जोधपुर, पाली और जालौर सिरोही जिलों में खास करके जो कलबी समाज का वोट है, जैसे कि जोधपुर सीट पे लूणी विधानसभा में वोट की संख्या है, बाड़मेर की पचपदरा और अन्य जगहों पे, जालौर सिरोही में पिंडवाड़ा को छोड़ के बाकी सभी जगह यह जो है ये समाज मार्जिनल वोट रखता है, प्रभावी वोट रखता है। ऐसे में भाजपा इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती थी और भाजपा ये चाहती भी नहीं थी कि किसी तरीके से कलबी समाज का जो टिकट है वो काटा जाए। लेकिन मैं आपको पहली लाइन कह चुका कि ये हम जो बता रहे हैं फिलहाल सूत्रों के हवाले से डिटेल बता रहे हैं, हो सकता है इसमें किसी तरह का संशोधन एन वक्त पे भी हो। लुम्बाराम चौधरी इसलिए आगे उभर के आए क्योंकि देवजी पटेल जो कि केंद्रीय नेतृत्व के सर्वाधिक नजदीक माने जाते हैं, अगर उन्हें पूछा गया कि आप नहीं तो कौन, तो फिर वो लुम्बाराम चौधरी का नाम आगे करेंगे क्योंकि जाति एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि देवजी पटेल के नजदीकी राम सिंह चौहान चारणीम और देवजी पटेल के नजदीकी नारायण सिंह देवल, जिन दोनों की हार की वजह एक रही, जीवाराम चौधरी, तो यह भी है कि नारायण सिंह देवल हो या राम सिंह चारणीम हो या फिर जो है वो लुम्बाराम चौधरी हो। एक और नाम उभर के आता है, उनका नाम है सांवला राम देवासी। देवासी भी बड़ी लंबी छलांग लगा के ऊपर तक पहुंचे हैं, नगरपालिका के अध्यक्ष रहे हैं भीनवाल के, और सांवला राम देवासी जो है प्रदेश मंत्री है, हाल ही में उनको लोकसभा चुनाव में बड़ा दायित्व सौंपा गया है, जमीनी कार्यकर्ता है। इस लिहाज से देवासी वोट बैंक को अगर वो मारवाड़ समाज, मारवाड़ क्षेत्र में बीजेपी अपने पक्ष में करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछला टिकट जो है लोकसभा सीट जालौर सिरोही पे देवासी प्रत्याशी को, रतन देवासी को दिया था, ऐसे में बीजेपी अगर देवासी पे जाएगी, जिसका फिलहाल जो चांस है वो थोड़ा कम नजर आ रहा है क्योंकि लुम्बाराम चौधरी का नाम इस तरह से आ गया है कि देवजी पटेल भी उनके लिए पैरवी कर रहे हैं,
और बाकी जो प्रत्याशी हैं जालोर जिले के सभी प्रत्याशी एक साथ मिलके जो चौधरी या कड़वी समाज के प्रत्याशी वो एक साथ जाके दावा कर रहे हैं देवजी पटेल की खिलाफत करते हुए और समाज के किसी व्यक्ति को टिकट दिए जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की टीम की नजरें ठहरती है लुम्बाराम चौधरी पे, तो क्या लुम्बाराम चौधरी जो है वो इन नजरों को इनायत पाएंगे खुद के ऊपर और जालोर सिरोही लोकसभा सीट पे टिकट पाएंगे? ये बड़ा सवाल है क्योंकि अभी तक जो इनपुट है, जो रिजल्ट, जो सीट या जो लिस्ट आने वाली है उससे पहले, उसमें लुम्बाराम चौधरी खासा प्रभावी तरीके से आगे बढ़े हैं और जैसे कि मैं बता चुका 23 लाख के आसपास वोट हैं इस लोकसभा सीट पे, जिनमें से करीब 8.25 लाख वोट जो है वो 8.25 से 8.5 लाख वोट सिरोही में है। और बीता विधानसभा चुनाव देखें तो यहाँ बीजेपी 8 में से 4 ही विधानसभा सीट जीत सकी है। एक बता दूं मैं आपको कि लोकसभा क्षेत्र जो है वो राजस्थान में 8 विधानसभा क्षेत्रों पे एक लोकसभा क्षेत्र है, पड़ोसी गुजरात में 7 पे 1 है, हरियाणा में 9 विधानसभा क्षेत्रों का 1 लोकसभा क्षेत्र है। डेमोग्राफी अलग अलग है तो राजस्थान की डेमोग्राफी के नाते 8 सीटें 1 विधानसभा क्षेत्र में है। अब ये देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या है, मसलन कि अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो 34 विधानसभा क्षेत्रों में 1 लोकसभा सांसद होता है, लेकिन राजस्थान की जो डेमोग्राफी है उसमें विधानसभा चुनाव की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस भूमिका को देखें तो फिर नजर आता है कि राजस्थान में जालोर सिरोही सीट पे जो जद्दोजहद चल रही है 8.5 लाख वोट सिरोही जिले के, जालोर के वोट ज्यादा है। आज तक सिरोही जिले से कोई व्यक्ति सांसद नहीं बना है, स्थानीय व्यक्ति, ऐसे में एक सिरोही की डिमांड रही है और बीजेपी चूंकि चौंकाती है अपने निर्णयों से, तो लुम्बाराम चौधरी का नाम अगर आता है तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि बीजेपी ये बताना चाहती है कि संगठन के बल पे, कार्यकर्ताओं के बल पे, समर्पण के बल पे वो लुम्बाराम चौधरी को भी यहां से सांसद के तौर पे अपना प्रभावी प्रत्याशी बना सकती है। लिहाजा अगर अपन देखें जालोर की दूसरी सीटों की, तो कुल 8 में से 4 बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस के पास है और 1 सीट निर्दलीय के पास है। तो सिरोही की 3 में से 1 भाजपा हारी है, रेवदर की सीट मोतीराम कोहली से, मार्जिन ज्यादा नहीं है। तो सिरोही जिले में बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा मिला है विधानसभा चुनाव में, जालोर में ये कम रहा है। जालोर में खासी पीछे रही है बीजेपी और उसकी बड़ी वजह देवजी पटेल हैं। हालांकि देवजी पटेल को लेकर जो माहौल खड़ा किया गया वो थोड़ा सा जो है वो उनका लोकसभा टिकट कटने की वजह बनी है, चूंकि वो विधानसभा चुनाव ही हार गए। बीजेपी ने 7 सांसदों को उतारा था, उसमें से देवजी पटेल चुनाव हार गए, भागीरथ चौधरी चुनाव हार गए, झुंझुनू के एमपी जो है वो चुनाव हार गए, बाकी दिया कुमारी, बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े नेता जो है वो चुनाव जीत गए। अब देवजी पटेल का टिकट चूंकि कटना तय माना जा रहा है, ऐसे में उन्होंने लुम्बाराम का नाम आगे किया है। लुम्बाराम चौधरी ने अपने पार्टी के प्रति समर्पण, संगठन के नाते किए गए प्रयास और जनप्रतिनिधि के नाते किए गए कामों को गिनाते हुए, और एक उम्रदराजी भी उनके साथ है और दूसरे लोगों का साथ भी उनके साथ नजर आता है, वो कड़वी समाज के सामाजिक नेता भी हैं। ऐसे में कड़वी वोट बैंक जो है वो एकजुट रखा जा सकता है पूरे जोधपुर संभाग में। अगर यहाँ देवासी को टिकट दिया जाता है तो फिर कड़वी वोट बैंक नाराज हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। अब अगर बात करें इधर दानाराम चौधरी की, तो उनके साथ जैसा मैं पहले के विश्लेषण में कहता रहा हूं कि दानाराम चौधरी के साथ खेल हुआ और खेल खेलने वाले उनके वही साथी रहे जिन पे उन्होंने दूसरी बार भरोसा किया। पहली बार उन्होंने देवजी पटेल पे भरोसा किया तो दानाराम का टिकट कट गया, दूसरी बार उन्होंने जीवाराम पे भरोसा किया तो जीवाराम ने उनका राजनीतिक जीव निकाल लिया। ऐसा लगता है कि जीवाराम जिस तरह से अपने भाई को लेके आए टिकट के दावेदार के रूप में, और जिस तरीके से भाजपा को लगा कि एक अगर विरोध की परंपरा जालोर में शुरू होती है और उसकी वजह से वो कोई राज्य विधानसभा की सीट हारती है, तो फिर इस परंपरा को थोड़ा सा बदला जाना चाहिए, इसी के नाते लुम्बाराम का नाम मुखर होके आया है। तो मेरा ये जो सोर्स है या जो विश्लेषण है उसमें सीधे तौर पर यह है कि लुम्बाराम चौधरी अभी पहले लिस्ट में, पैनल में पहले नंबर पे है, फिर सांवलाराम देवासी है, नारायण सिंह देवल का नाम है, राम सिंह चारणी भी एक नेता है, ये लोग खासा आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरे खेमे से जो बड़े हैं आरडी चौधरी हैं, जिनके कल फोटो आए दानाराम चौधरी के साथ में, जीवाराम वगैरह, तो उस खेमे को बीजेपी शायद थोड़ा नकार सकती है। थिंक 360 से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे अपील है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि राजस्थान के लोकसभा चुनावों से रिलेटेड प्रभावी अपडेट हम आपको लगातार दे सकें। धन्यवाद।